हेलो गाइस, आज हम समय दूरी और चाल के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का टॉपिक है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। इसको छोटा बच्चा या जो पीता हुआ बच्चा भी सीख जाएगा। आज इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन जब पास करती है तो कितना देर में पास कर जाएगा, खंभा को पार करने में ट्रेन को कितना वक्त लगता है, अगर हम गाड़ी शॉर्ट का स्पीड से चलाते हैं तो कितना मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से जा रहा है। इसको मैथ बनाना नहीं होगा, कॉपी कलम इसमें उठाना नहीं होगा कि आपको कॉपी कलम उठाना है। ऐसे ही बता देंगे किसी को कि इतना स्पीड चला रहे हैं हम अपना गाड़ी, इतना क्या स्पीड से भगा रहे हैं। कोई कहता है हम फोर लाइन पे 200 का स्पीड चलेगा, आज 200 का चला है कि 400 का स्पीड चला है, कितना मीटर प्रति सेकंड का स्पीड चलाया। सबसे ज्यादा चार को कौन सा गाड़ी का होता है, सबसे धीमा कौन चलता है, सब हम बात करके बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये वीडियो में आपको बने रहना है और अच्छे से आपको समय दूरी और चाल को समझ लेना है। ये छोटा सा कम कम चैप्टर में आज सीख जाएंगे, जो कभी भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा ये लिख के मेरा वादा रहा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चाल। चाल आता है तो सबसे पहले बात करते हैं चाल। चाल क्या होता है, तो बोलते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। एकांक समय, एकांक समय मान लीजिए कि यहाँ का एक नेट बिंदु ए है, यहाँ का नेट बिंदु बी है, तो ए से बी तक में चलने में कुछ हम समय का दूरी लेंगे। जैसे यहाँ पे कोई इंसान है, मान लीजिए कि मोहन है, कौन है मोहन, अब यहाँ से ए से बी पे जाना है, ऐसे 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 करके जाना जाएगा या बी पे जाएगा, तो ए से बी तक जाने मेरा कुछ समय लगेगा, लगेगा एक सेकेंड, दो सेकेंड, चार सेकेंड, कुछ भी लगेगा। तो यही जो समय लगेगा तो एकांक समय में जो तय किया दूरी उसी को हम लोग बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं चाल, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। कुछ समय लेने के बाद हम एक स्थान से समान यहाँ पे धीरे 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 बोल के हम यहाँ पे आ गए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे चाल। अब ये हम बताएंगे चाल होते कितने हैं, ये सब साइंस का टॉपिक बोलते हैं, एक समान चाल, असमान चाल है नहीं, तो साइंस का टॉपिक यहाँ पे मैं टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये हो गया चाल। तो चाल का ऐसा है मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, कि एक सेकंड में हम कितना मीटर जाते हैं यही बताता है चाल। क्या बताता है चाल। समय क्या हो गया, तो समय तो आप जानते हैं कोई भी काम करने में जो हमें वक्त लगता है उसे हम समय कहते हैं। समय का जो ऐसा मात्रक होता है सेकंड, क्या होता है इसका होता है सेकंड, और दूरी का जो मात्रक होता है दूरी यानी डिस्टेंस इसका होता है मीटर, क्या होता है मीटर। की जाती है दूरी में की जाती है, जैसे इसको मापते हैं मीटर, लेकिन बड़ा समय का अनुपात होता है, दूरी और समय का अनुपात, दूरी और समय का अनुपात तो उसे चाल कहते हैं। मतलब जितना दूरी हम एक समय अंतराल में तय कर पाएंगे वही तो चल करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पटना 30 किलोमीटर है, कितना 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर, और हम 6 घंटा का समय लिए, कितना लिए 6 घंटा जाने में, तो यहाँ 30 अवाई में 6 करते हैं 6 बजे 30, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा औसत चाल रहा, इसी के माध्यम से हमने गया था 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। समय में आ रही है ना। तो चाल क्या है, तो चाल कुछ नहीं है केवल एक भाग होता है, तो किसका भाग होता है, तो दूरी और समय का अनुपात होता है उसे हम लोग चाल कहते हैं। दूरी और समय का जो अनुपात होता है उसे हम लोग चाल कहते हैं, और यही चाल होता है। इसके बाद हम लोग समझिए चाल को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आगे का मीटर की चाल होता क्या है, और हम डिटेल बात करेंगे। अब एक बात आपको बताइए, कैसे हम यूनिट को चेंज करेंगे, एक किलोमीटर में आपको पता होगा एक किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, मानी 1000 मीटर होता है, होता है कि नहीं होता है। एक किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, और एक घंटा में कितना होता है, एक घंटा में 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट। अब देखिए समय का जो मात्रक होता है मिनट होता है नहीं होता, तो इसका होता है सेकंड मात्रक होता है, क्या होता है सेकंड। अब देखिए एक मिनट में कितना सेकंड होता है, एक मिनट में तो 60 सेकंड, कितना देगा 60 सेकंड। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि एक घंटा में 3660 मिनटों में 60 करेंगे कितना देगा 3600 सेकंड, होगा ना। तो एक घंटा में होता है 3600 सेकंड। अब इसी को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो किलोमीटर को ऊपर रख लेंगे, 1000 को नीचे रख लेंगे, 3600 को कितना रख लेंगे 3600 के, 2 लड्डू से 2 लड्डू काटेंगे, 5 गुना के 10 और 18 गुना के 36, यानी 5 बटा में 18, 5 बाई में 18। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना रहेगा, तो यही वाला यूनिट काम करता है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बाई 18 से गुना करना, 5 बाई 18 से गुना करना। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप किसी भी किलोमीटर पे नापे के चला रहे हैं भाई, चलाओ हम बता देंगे। ये नहीं कि जरूरत है कि हमको गुना कलम कापी किसी का की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब माइंड से बता देंगे 90 तू 200 चला भाई, बता दे रुक जा,
बस आपको बने रहना है। तो इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 5 बाई 18 किलोमीटर में करना है, किलोमीटर में 18 बाई 5 इसका अपोजिट कर देंगे तो चल जाएगा किलोमीटर में। किसमें चल जाएगा? किलोमीटर में। इसी को टर्म को उलट दीजिए तो चल जाता है किलोमीटर में। तो कैसे आप इसको कर लेंगे, तो आपको एक चीज याद रखना है, बस आपको आ जाएगा। और कौन सा पहाड़ा, तो पहाड़ा को जो आप 2 का 3 का 4 कैसे पढ़ते हैं, तो सेम उसी तरीके से आपको 5 का याद रखना। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्टेड करने के लिए आपको कुछ कुछ तो ऐसे अंकिक मारेगा। मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलेगा। ये होता है जैसे अभी हम लोग किए ना, 5 बाई 18 मैंने 18 के तो 5 के, तो इसी 5 का लिख लीजिए, 5 का 5, 15 के 10, 5 के 15, 5 का 20, 5 के 25, 5 का 30, 5 7 के 35, 5 8 के 40, 9 45, 15 के 50, 18 का 18, 18 9 36, 18 के 54, 18 74, 18 5 90, 18 77 से, 18 26 से, 18 44 से, 18 9 68 से, 18 1 180। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई गाड़ी को हम 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाएंगे तो ये 5 का पहाड़ा में कर लेना है, 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ेगा। अगर हम लोग 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गाड़ी को दौड़ाएंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर गाड़ी तय कर लेगी। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम लोग चलाएंगे 72 के तो 20 के, और 90 के, जिसका 90 का स्पीड चला रहे गाड़ी, तो 90 के चला रहे हैं 25 मीटर प्रति सेकंड चला रहे हैं। उसी 108 को चलाएंगे तो कितना, 30 मीटर प्रति, 126 के चला लेंगे तो 35, 140 से, 144 से चला लेंगे तो 40। इसी तरीका पे हम लोग का होता है कि किलोमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको इसी तरीका से 5 का और 18 का पहाड़ा जैसे ही आपको याद रहेगा तो तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपसे कोई बोल दिया कि हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हैं, अभी 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर में बदलना, किसमें, मीटर में, तो यहाँ पे 70 रख लेना, मीटर में बदलना है ना तो छोटा मिनट पर रख लेना। अब इसको कर लीजिए 7 बजे के 35, 250 बाई 18, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इसी तरीका से अगर आप मान लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, 72 किलोमीटर, तो 72 को हम कर देना 5 बाई 18, 18 चौका 72, 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की ओर से चलेंगे, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की ओर से। तो ये हो गया आपका, हम लोग को चाल जो नॉर्मल हो गया। अब चाल को हम लोग ट्रेन वगैरह से समझेंगे कि ट्रेन वगैरह से चाल कर दिया तो कैसे ट्रेन पार कर जाती है। हम आपको लाल को दिखाएं, ये लाल वाला प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये लाल का जो हम दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म है, और ये ब्लू का जो दिखा रहे हैं ये समझ लीजिए क्या है, रेल पटरी है। ऐसे ट्रेन को हम बोलते हैं, हिंदी नाम आपको नहीं पता होगा, लौह पथगामिनी बोलते हैं, लौह पथगामिनी हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं, लौह पथगामिनी, लौह पथगामिनी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश शब्द होता है ट्रेन, क्या होता है ट्रेन, हिंदी में बोलिए लौह पथगामिनी। आप बहुत व्यक्ति के देखेंगे तो कोई नहीं बोलेगा लौह पथगामिनी में हम सवारी कर रहे हैं, मैं ट्रेन पे हम जाएंगे जी, हमने ट्रेन पे इंतजार करिए, है नहीं। तो लौह पथगामिनी हिंदी शब्द होता है प्योर। तो इसका मान लीजिए ये है क्या, आपका ट्रैक है, ट्रैक समझे ना, अभी ट्रैक होता है आपको तरह नहीं समझ लीजिए, ट्रैक आइए प्लेटफॉर्म है। अब इसको पार करने में लगा समय कौन लोग समझेंगे कैसे होता। अब मान लीजिए अभी ये रेलगाड़ी आई है ना, ये मालगे रेलगाड़ी है, अभी ट्रैक पे आ रही है, चलिए अभी बताए प्लेटफॉर्म पे एंट्री मारी है नहीं मारी। अब जैसे मान एंट्री मारी, अभी पार की है नहीं, ये पार की नहीं, पार की है नहीं। अब बताए अभी ये तो प्लेटफॉर्म के बीच में खड़ा, अभी पार की है नहीं, पार की होगी, पार की नहीं, पार की, अभी निकल गया, पार की है, अभी इंजन निकला होगी बाकी है, ये निकल गया अभी नहीं निकला, अभी इसका पिछला भेकम बाकी है, अभी निकल गया। तो आप देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि जैसे अगर इससे पार करना होता है प्लेटफॉर्म से, तो इसकी अपनी लंबाई को भी पार करना पड़ता है, यानी जब प्लेटफॉर्म से आपको देर पार करना रहेगा प्लेटफॉर्म से, तो कैसे करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म से, तो रेलगाड़ी का रेल लंबाई रहेगा, रेलगाड़ी इसकी रेलगाड़ी की लंबाई आप प्लस में हो जाएगा किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई,
प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे होगा आपको बताए देखिए। देखिए यहाँ से जैसे हम पार करेंगे तो यहाँ तक पार करेंगे तो अभी नहीं तो यहाँ तक, तो यहाँ जैसे हम निकाल जाएंगे यहाँ पिछला बिंदु को छोड़ेंगे तब ना जी, तो पिछला बिंदु को छोड़ेंगे तब तो अपना दूरी आपको पार करिएगा तब ना, तो यहाँ तक तुमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक में तक इतना दूर में ट्रेन का लंबाई हो जाएगा, तो टोटल ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में लगता है। लेकिन यही के बीच में आपको रहेगा खंभा, क्या रहेगा खंभा। अब मान लीजिए कि एक खंभा है ऐसे, ये ट्रैक है, खंभा है, अब खंभा को पार करना, अभी ट्रेन है पार की थी नहीं की, ऐसे पार की नहीं, अभी पार की नहीं, अब ये पार कर गई, इसमें किसको केवल पार करना पड़ा, अपनी लंबाई को जैसे पार कर दिया तो ये पार कर गया। तो जब खंभा वगैरह को पार करना होता है कोई ट्रेन वगैरह को, तो उसमें कोई देरी नहीं लगता, बस केवल अपनी लंबाई को पार कर दो, खंभा ऑटोमेटिक पार हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेटफार्म को या पुल को या कोई दूसरी रेलगाड़ी को, जैसे दो रेलगाड़ी कभी कभी आती है, एक रेलगाड़ी 10 हज़ार एक रेलगाड़ी 10 हज़ार ऐसे ऐसे पार करी, अब कौन सा ट्रेन कितने देर में पार कर जाएगी, एक दूसरे खर्चा क्या होगा, ये सब बात हम आगे की वीडियो में जस्ट आगे बताएंगे। कितना वक्त रहेगा, जैसे आप टेम्पो वगैरह पे देखेंगे तो एक देखेंगे तो ऐसे पार करती है कैसा, और कभी आती है फर्स्ट पार कर जाती है, पता नहीं चलता कौन कितना तेज जा रहा है, कभी कभी बैठे रहते हैं तो बैठते हैं इस पे लगता जा रहा हो, है नहीं, तो ऐसे होता है, नहीं तो लगता कभी इस पे बैठे हैं लग रहा है जा रहा है मेरे ट्रेन में, जबकि जा रहा है वो ट्रेन में, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, सभी बात करेंगे। आप समझिए हम आते हैं कुछ मैथों पे, ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। अभी आपको सबसे पहले वो मैं दी है, हम दिए हैं एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तय की गई दूरी क्या होगी, तो आपको बता रहा होगा था दूरी बराबर, आप क्या करेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय जी, तो दूरी की चाल कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने एच नीचे रहेगा अवर को, और एक के घंटा में 6 घंटा में 6 × 6 = 1200 किलोमीटर एक जाएगा 6 घंटा में, तो ऐसा आप निकालेंगे दूरी, क्या निकालेंगे दूरी, समझ में आ रही बात। अब इसको सवाल बदलते हैं, बांस 160 किलोमीटर की दूरी, 160 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेंगे। अब इसमें निकालना आपको क्या समय निकालना, तो अभी समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर प्रॉब्लम को जो हो जाएगा दूरी बटा में चाल। अब दूरी कितना है तो 360 किलोमीटर हो गया, और चाल कितना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब इसको काटेंगे 360 हवाई में हो गया 60, गुना में ही है तो ऊपर चलेगा भागा में 6 × 36 यानी 6 घंटा कितना हो गया 6 घंटा। तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग दूरी चाल और समय निकाल पाएंगे, ये बेसिक है। इसके बाद जो आपको कॉन्सेप्ट है वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म हम जस्ट आगे बताएंगे। ओके।